प्रोटीन सैलेड के लिए एक बाउल में लेंगे बॉइल चने। इसको मैंने 7 से 8 घंटे सोक करके बॉइल कर लिया है। दीज आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ वेजिटेरियन प्रोटीन। सैलेड बनाने के लिए इनको एक बाउल में डाल लेंगे। इनको हमें उतना ही बॉइल करना है कि इनकी ऊपर की लेयर ना निकले, ये थोड़े खिले खिले दिखे। तो मैंने लगभग 2 कप चने लिए हैं। अब हम डाल रहे हैं अनदर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, पनीर। जैसे कि हम सबको पता है पनीर के अंदर प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है। उसके बाद डालेंगे 1 कप चॉप टमाटोज। इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। फिर हम डालेंगे अपने सैलेड के अंदर चॉप्ड अनियंस। उसके बाद बिना छिले नाइसली कट एंड डाइस्ड क्यूकम्बर, विच इज अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर। अब हम डालेंगे रोस्टेड पीनट्स, अगेन विच गिव्स अस हाई प्रोटीन एंड हेल्दी फैट। उसके बाद डालेंगे स्प्राउट्स। ये अंकुरित मूंग दाल मैंने मार्केट से ली है। आप इसको बहुत आसानी से घर पे बना सकते हैं। दाल को एक रात भिगो के दिन भर सूती कपड़े में लपेट कर रखें। आपकी दाल अंकुरित हो जाएगी। अंकुरित होने से इसकी प्रोटीन की मात्रा और बढ़ जाती है। लास्टली डालेंगे इसमें फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, यानी कि धनिया पत्ता। प्रोटीन सैलेड की हमारी सभी हाई ऑन प्रोटीन इंग्रेडिएंट्स डल गए हैं। इस सैलेड में डलने वाली एक एक चीज हमारे लिए बहुत हेल्दी है। अब बनाएंगे हम इसके लिए सीजनिंग। उसके लिए एक बाउल में लेंगे 1 चम्मच ऑलिव ऑयल। ये ऑयल डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना डालें। ये सैलेड को थोड़ा ग्लॉसी लुक देता है एंड नो डाउट इट इज अ वेरी गुड ऑयल एज इट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स व्हिच आर वेरी गुड फॉर अस। उसके बाद लेंगे 1 चम्मच लेमन जूस, अगेन अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी टू गिव इट अ लिटिल टैंगी टेस्ट। उसके बाद लेंगे हम 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच चाट मसाला और 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च टेस्ट के लिए एंड हाँ, ब्लैक पेपर इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ आयरन। अपनी सीजनिंग को अब हम अच्छे से मिला लेंगे। इससे हमारा सैलेड बहुत ही चटपटा और पेपरी बनेगा। इसको अब हम अपने बड़े वाले बाउल में फैलाकर पोर कर लेंगे। और ऊपर से डालेंगे फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिली। यहाँ पर मैंने 2 छोटी-छोटी हरी मिर्च ली हैं। अब सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमारी सीजनिंग के फ्लेवर हमारे सैलेड में अच्छे से मिक्स हो जाएं। एक चीज का ध्यान रखें कि हमें सभी वेजिटेबल्स लगभग चने के साइज के कट करने हैं, सो दैट व्हेन यू गेट अ बाइट यू गेट अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग। और छोले के साथ साथ इसमें आप स्प्राउटेड काले चने भी डाल सकते हैं। एंड अगर थोड़ा कॉन्टिनेंटल टेस्ट देना है तो इटालियन सीजनिंग भी डाल सकते हैं। तो लो, हमारा प्रोटीन सैलेड बनके तैयार है। फील फ्री टू ऐड व्हाटएवर यू लाइक, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, पोमीग्रेनेट, जो भी सब्जी या फ्रूट आप पसंद करते हैं आप इस सैलेड के अंदर डाल सकते हैं।